शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के संजोली में कोरोना वॉरियर्स को पुलिस क्लब और नशा निवारण समिति ढली द्वारा निर्मित किए गए फेस शील्ड वितरित किए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना से पैदा हुए संकट की इस घड़ी में कोरोना फाइटर्स दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे में इन लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। इस दौरान शिक्षा विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पुलिस क्लब एवं नशा निवारण समिति ढली द्वारा मानवता की सेवा में लगे पुलिस के जवानों को फेस शील्ड वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि फेस शील्ड लगाने से कोरोना वॉरियर्स को किसी नुकसानदायक कीटाणु के सीधे संपर्क में आने से रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि संकट के इस काल में विभिन्न क्षेत्रों के तहत लोगों द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जिसमें सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन द्वारा भी इस घड़ी में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी अपने आप को जोखिम में डालकर मानवता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू को लागू करने का पहला कार्य पुलिस विभाग का है। इसके साथ साथ पुलिस के जवानों द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन भी वितरित किया जा रहा है। संजौली के जो कार्यकर्ता हैं, पुलिस क्लब के जो हमारे सदस्य हैं, उन सब ने जो है वो ये फेस शील्ड जो है बनाई है और ये सारे पुलिस वालों को जो है वो यहाँ पर भेंट की गई है, जिससे जो है वो हम फेस कवर करना जो है आवश्यक है और इसके कारण वो अपना काम भी आसानी से कर सकेंगे और साथ में उनको जो सीधा अटैक जो है वायरस का होता है उससे बचने में थोड़ी बहुत सहायता भी मिल सकेगी। तो इसके लिए मैं संजौली के सभी कार्यकर्ता जो हमारे पास साथ यहाँ खड़े हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुलिस क्लब के जो लोग हैं हमारे बगानिया जी हैं, काका जी, नरेंद्र ठाकुर जी, अपने सिमी जी और जो हमारे गुप्ता जी हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, ये सब जो हैं समय समय पर कोई राशन के रूप में, कहीं मास्क के रूप में, कहीं ये फेस शील्ड के रूप में सहायता करते रहते हैं विभिन्न वर्गों की, उसके लिए इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं नशा निवारण समिति के सदस्य नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि संस्था द्वारा निरंतर विभिन्न सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते कोरोना की जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों की कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए उन्हें फेस शील्ड वितरित किए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते संस्था द्वारा लगभग 1000 जरूरतमंद लोगों में राशन भी वितरित किया गया है और आने वाले समय में भी संस्था जरूरतमंदों को राशन वितरित करेगी। हमारा जो जितना भी पुलिस स्टाफ है संजौली ढली का, जो थाने में और जो हमारे रोड पे खड़े रहते हैं उनके लिए मास्क शील्ड का प्रबंध किया था हमारी NGO ने, जो कि बहुत अच्छा है। जो हमारा ये नाक पे मास्क है इसमें भी डस्ट वगैरह मुंह में या इसमें चल जाती, कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती, तो इस करके हमारे क्लब ने ये निर्णय किया, हमने मास्क शील्ड का प्रबंध किया और अपने सभी जवानों को मास्क शील्ड दिया। और इसी तरह जैसे पीछे भी हमारी NGO ने यहाँ पे इसी स्थान पे 200-250 लोगों को राशन बांटा था, इसी तरह जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है हम आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद हमने भट्टा गुफर में 400 लोगों का राशन बांटने का इंतजाम किया है 2-4 दिन में। वहीं SHO राजकुमार ने भी नशा निवारण समिति और पुलिस क्लब ढली द्वारा किए गए इस कार्य की सराहना की और सभी लोगों से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की। सेशन टाइम है उस दौरान भी ड्यूटी जो डिप्लॉय की गई है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा उसके उपरांत भी जब जैसे कर्फ्यू रिलैक्सेशन टाइम खत्म हो जाता है 2 बजे के बाद भी हमारी जो ड्यूटीज है जो कर्फ्यू वायलेटर्स है उनको चेक करने के लिए ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। तो आज यहाँ पर पुलिस क्लब ढली के माध्यम से जो जवान हमने ड्यूटीज़ पर डिप्लॉय किए हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या थानों से जैसे कंटिन्यू पेट्रोलिंग जा रही है या नाकों पर है, उन सब लोगों को ये शील्ड मास्क आज जो प्रदान की गई है, ताकि ये शील्ड मास्क है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है और इसमें है भी ट्रांसपेरेंट भी है और इसमें जो भाप वगैरह भी नहीं जमता है।